जमकर हंगामा इस वक्त नजर आया लोकसभा में जब सत्र की शुरुआत हुई और ऑपोजिशन हमलावर नजर आया सरकार के खिलाफ। दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ गया। आज कृषि कानूनों की वापसी को लेकर बिल सरकार पेश करना चाहती है, लेकिन ऑपोजिशन इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार का तर्क यह है कि अगर बिल वापस ही हो रहे हैं, कानून वापस ही हो रहा है, तो फिर चर्चा की क्या जरूरत है। थोड़ी देर में अब लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होनी थी और अब यह कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई है। जबरदस्त हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्थगित कर दिया था। लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। मैंने उनका त्याग पत्र 22 अक्टूबर 2021 से। तो ये देखिए, सदन के अंदर और संसद के बाहर किसानों के मुद्दों को लेकर किस तरह से ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ किसानों के मुद्दों को लेकर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सांसदों को शांत कराने की कोशिश करते हुए नजर आए और ये कहते दिखे कि पहला दिन है, जनता देख रही है, शांत हो जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा और अब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से पार्लियामेंट कैंपस में प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें आपके सामने। रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 4 श्री अश्विनी कुमार चौबे, आपकी अनुमति से मैं आज की कार सूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध सभा पटल पर रखता हूँ। अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है और दूसरी तरफ आज कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद के कैंपस में किस तरह से ऑपोजिशन ने प्रदर्शन किया। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, इस वक्त गतिरोध जो है, नजर जो आ रहा है विपक्ष और सरकार के बीच, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि सरकार की तरफ से यह दलील बार बार दी जा रही है कि जब कानूनों को वापस ही लिया जा रहा है तो उस पर चर्चा का मतलब क्या है, ऑपोजिशन का क्या कहना है? देखिए, ऑपोजिशन का कहना यह है कि सरकार जब कानून लेकर आई थी तब भी क्रेडिट ले रही थी और जब वापस लेने के लिए अब से अगले कुछ ही मिनट के बाद जो बिल ला रही है उसका भी क्रेडिट लेना चाह रही है। वहीं अपोजिशन का कहना यह है कि हम सरकार पर अब और भरोसा नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब हम और आप बात कर रहे हैं उस समय पेपर ले हो रहा है सदन के भीतर और ये कार्रवाई होने के तुरंत बाद ही कृषि मंत्री की तरफ से किसान कानूनों से संबंधित जो विधेयक है उसको रखा जाना है। तो इस समय अपोजिशन की तरफ से कोशिश है कि संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, दोनों ही जगह पर ये दिखा सके कि देखिए सरकार इस जगह पर कैसे बैकफुट में आने को मजबूर हुई है। ये हमारे विरोध प्रदर्शन की वजह से हुआ है। जिन किसानों के विरोध प्रदर्शन के नाम पर अपोजिशन ये बात कह भी रही है तो अपोजिशन ये चाह रही है कि इसका किसी भी तरह का क्रेडिट सरकार को ना मिले। निश्चित तौर पर तेवर कैसे होंगे, जो बात हम और आप लगातार बता रहे थे वही सदन में दिख भी रहा है कि एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा, अभी भी लगातार हंगामे चल रहे हैं और देखना होगा कि। लेकिन मनीष, हम थोड़ी देर पहले किसान संगठन के ये विधेयक रखेंगे नेताओं से भी बात कर रहे थे और वो उनकी इच्छा ये, वो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये बिल पटल पे रखे जाएं और फिर कानून को रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। वो कह रहे हैं कि हंगामे की जरूरत नहीं है, चर्चा आप इसके बाद भी करते रहिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हंगामा होता है और ये बिल फिर जो इन तमाम तीनों कानूनों को वापस लेने वाला बिल अगर पारित ही ना हो तो फिर सारा जो मकसद है वही बेकार हो जाएगा। तो ये तो जरूरी है कि सरकार ये बिल को रखे और फिर वो बिल पारित हो ताकि जो वो तीनों विवादित कानून है वो वापस लिए जाए, वरना फिर ढाक के तीन पात वाली स्थिति होगी। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।